वेलकम टू चैप्टर 1 ऑफ SQL tutorial that दैट इज fundamentals and introduction एंड इंट्रोडक्शन टू MySQL. एंड सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 का सिलेबस क्या होगा इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस एंड आर देन हम बात करेंगे SQL के बारे में व्हाट इज SQL एंड यसक्यूएल एंड माई में क्या डिफरेंसेस होते हैं लोगों को हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि डेटाबेस एंड डीबीएमएस में क्या डिफरेंसेस है SQL एंड माई में क्या डिफरेंसेस है इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे हम बात करेंगे माइस्क्यूएल के बारे में एक सॉफ्टवेयर है एक डीबीएमएस है, जिसके थ्रू आप क्वेरीज का यूज़ करके डेटाबेस को मैनेज करते हैं समझाऊंगा सारी चीजें देन हम बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल माई हाउ टू यूज माई ऑन यूर सिस्टम कमांड लाइन पे कैसा यूज करे वर्क बेंच प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी माइ प्रोवाइड करता है उस इंटरफेस को कैसे यूज करे सारी चीजें मैं कवर करूंगा एंड डीएस्यू एल इंटरनली कैसे काम करता है देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है लाइक डीबीएमएस एंड आर डी बी एम एस में क्या डिफरेंसेस है बहुत सारे डिफरेंसेस है टेन टू ट्वेल्व डिफरेंसेस है माई एस क्यूएल एंड नो एस क्यू में क्या डिफरेंसेस है ई आर डायग्राम क्या होती है ई आर डायग्राम को कैसे बनाया जाता है डेटा मॉडल कंसेप्ट क्या है देन आर्किटेक्चर कैसे होता है फाइल्स एंड डेटाबेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं करेंगे इन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा डीबीएमएस ट्यूटोरियल में जो आपको यसक्यूएल ट्यूटोरियल के बाद मिलेगा यसक्यूएल ट्यूटोरियल में हम प्राइमरिली फोकस करेंगे ऑन राइटिंग यसक्यूएल क्वेरीज ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड इसके बाद का जो वीडियो है व्हाट इज डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं वो वीडियो अपलोडेड है